फ्रेंड्स, रूबिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कौरमा। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन ले लिया है। 1 teaspoon के आसपास रेड चिली पाउडर डाल देंगे, 1 teaspoon सॉल्ट डाल देंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच के आसपास दही डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हो गया हमारा मिक्स। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा तेल गरम हो गया है। यहाँ पर मैंने 1 tablespoon ऑयल ले लिया है। अब हम इस ऑयल में प्याज को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 medium size प्याज दिया हुआ है। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट लाइट ब्राउन करना है। प्याज को फ्राई करते वक्त हमारा फ्लेम मीडियम फ्लेम में होना चाहिए। यहाँ हमारा प्याज लाइट फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे तेल से। यहाँ पर मैंने 10 काली मिर्ची ली हुई है, 4 लौंग लिया हुआ है, 7 छोटी इलायची ली हुई है और 1 दालचीनी लिया है और 2 तेज़पत्ता ले लिया है। जिस तेल में हम ओनियन फ्राई किए थे उसी तेल में हम ये सब डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह गरम कर देंगे। यह हमारा अच्छी तरह गरम हो गया है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम इस हाई फ्लेम में कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon कोकोनट पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब 7 मिनट इसे हम ढक के पका लेंगे हाई फ्लेम। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा 7 मिनट हो गया है। ये देखिए, अब चिकन का पानी पूरा निकल गया है और तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें 1 cup कर्ड ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ बादाम डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 12 बादाम पानी में भिंगो के पीस लिया था। अब हम इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम 7 से 8 मिनट अब हम इसे पका लेंगे। अब हम प्याज को मिक्सी में पीस लेंगे। हमें इसे ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, दरदरा थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम पीस लें। ये हमारा 7 मिनट हो गया है और अब हम इसमें दरदरा पीसा हुआ प्याज डाल इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट हम लो फ्लेम में इसे ढक के पका। अब हम इसमें जीरा 1/2 teaspoon और 5 से 6 काली मिर्च और दालचीनी 1 छोटी सी और 3 लौंग, 5 से 6 इलायची मैंने छील के ले लिया है। अब हम इसे मिक्सी में पीस। अब हम इसमें हमारा पिसा हुआ स्पाइसेस डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा केवड़ा 1 teaspoon और अच्छी तरह मिक्स। यहाँ हमारा चिकन कौरमा रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ। यहाँ पर हमारा चिकन कौरमा रेडी। आज का ये रेसिपी मेरा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में।